हम मोदी जी को, भाजपा को। भाजपा को क्यों? फायदा है। क्या फायदा है? देश के फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा बहुत है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लूट डकैती नहीं होगा। इसलिए कि ये अखिलेश के शासन में क्या लूट डकैती हो रही थी? हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत सुने की है, डकैती है, भ्रष्टाचारी है, गुंडागर्दी ज्यादा है। अच्छा, हम लोग पता है। और यहाँ से उनके भाजपा का जो प्रत्याशी है उसका नाम क्या है? विद्यासागर। और उसके खिलाफ सबसे ताकतवर दूसरा प्रत्याशी कौन है? दूसरा प्रत्याशी सुभाष पासी, सपा से। सपा से? हाँ। सुभाष पासी का चांस क्या है जीतने के? बहुत कम आशा है। बहुत कम आशा है। हाँ। और बसपा का कौन है? बसपा का किरण पर, किरण राम। अच्छा। अब मोदी जी कहते हैं कि ये शमशान के लिए जमीन देते हैं, नहीं कब्रिस्तान के लिए देते हैं, पर सैदपुर के बाहर से आते हुए मैंने अभी देखा आपके पास तो बहुत बड़ा शमशान है। हाँ, है। है ना? हाँ। कब्रिस्तान भी है? हाँ, कब्रिस्तान बहुत कई जगह है। हाँ। और शमशान कितनी जगह है? शमशान जोहरगंज के पास है। हाँ। महल के पास है। हाँ। के सामने है। तो काफी शमशान है। हाँ। कमी तो नहीं है? नहीं कमी नहीं, सब है। और दिवाली पे बिजली आती है? हाँ। आती है दिवाली पे बिजली? कम आती है, यह समय बिजली को चुनाव से लोग उठा रहे हैं। पर जो जो ये कह रहे हैं कि रमजान में बिजली ज्यादा आती है, दिवाली में कम आती है, सही बात है? हाँ सही बात है। कैसे? हाँ। कह सकते हैं आप? मुसलमान के त्योहार में अधिक बिजली मिलता है। हाँ। हिंदू के त्योहार में बहुत कम बिजली मिलता है। क्यों? अब उसके आगे जो शासन चला है। ये झूठी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, सच्ची बात है। सच्ची बात है, एकदम सच्च बात। अच्छा, बोल क्या करेंगे? और जब रमजान के दिनों में बिजली आती है, वो केवल मुसलमानों के घर में आती है कि हिंदुओं के घर में भी आती है? घर में आती है, कई कनेक्शन हर जगह, सब जगह है ना। तो जब बिजली आती है सबके लिए आती है? हाँ, सबके लिए। फिर हम क्यों बोले, बिजली को क्यों बांट रहे हैं आप रमजान और दिवाली में? बिजली तो जब आ रही है सबके लिए आ रही है ना। जी हाँ। फिर बंटवारा क्यों कर रहे हैं उसका धार्मिक तौर पे? जैसे रमजान के समय उनके बिजली है, हिंदू मुसलमान के समय बिजली बांट देना, नहीं मिलता पूरा।